नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्य पत्रिका क्रम संख्या 30A। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक हमारा है 26 जुलाई 2021। कक्षा आपकी 5वीं है। जो भी आपका सेक्शन है ABC आप यहाँ पर लिखेंगे। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए हल करते हैं आज की कार्य पत्रिका। प्यारे बच्चों, आइए आज हम एक कविता पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटी सी कविता दी गई है और बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। और बचपन से हम बहुत सुंदर सुंदर कविताएं, बहुत प्यारी प्यारी कविताएं पढ़ते हुए आ रहे हैं और आपको बहुत सारी कविताएं याद भी होंगी। आइए इस छोटी सी कविता को जल्दी से पढ़ लेते हैं। बिल्ला एक देखा मत वाला, थोड़ा सफेद थोड़ा काला, भरी हुई थी दूध की प्याली, झटपट उसने खाली कर डाली। पूरा दिन सोता पैर पसारे, रात भर खैर मनाते चूहे सारे, जो एक दूजे का उल्टा अर्थ बताते, बच्चों वो विलोम शब्द कहलाते। तो यहाँ पर कविता के माध्यम से आपको कुछ बताया जा रहा है कि जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। और विलोम शब्दों के बारे में आपने कक्षा 4 में भी पढ़ा था, आप अच्छे से जानते हैं। जैसे कि दिन का विलोम शब्द क्या होगा, उल्टा अर्थ वाला शब्द क्या होगा, रात। आगे पीछे, अगला पिछला, आकाश पाताल। इस तरह से जो उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। और यहाँ पर आपने देखा जो रंगीन शब्द हैं, जो कि लाल रंग से, नीले रंग से और गुलाबी रंग से यहाँ पर कुछ शब्द हाइलाइटेड किए गए हैं, जैसे कि सफ़ेद काला, तो सफ़ेद का विपरीत अर्थ क्या होता है, काला, सफ़ेद काला। भरी, भरी यानी कि पूरी तरह से भरी हुई, और खाली, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। दिन, दिन का विलोम क्या होगा, रात। तो ये सभी हमारे शब्द क्या हैं, विलोम शब्द हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। आइए देखते हैं विलोम शब्दों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हमें दिए गए हैं। ऊपर दिए गए शब्द जो गहरे रंगों में लिखे हैं वे एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले यानी कि विलोम शब्द हैं। जैसे सफ़ेद का काला, भरी का खाली, दिन का रात। तो हमने अभी अभी देखा जो छोटी सी हमारी प्यारी सी कविता है, इसमें जो रंगीन शब्द हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के विलोम हैं, उल्टे अर्थ वाले हैं। अब सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है विलोम शब्दों से ही संबंधित है। अब आप नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके विलोम शब्द बताइए। तो ये बहुत ही आसान, छोटे बच्चों वाला बिल्कुल बहुत ही आसान सा प्रश्न दिया गया है। हंसना, और हंसने का विलोम क्या होगा, रोना। आप सभी जानते हैं हंसने का उल्टा क्या होगा, रोना। तो आप यहाँ पर जो नीचे चित्र दिया गया है उसके सामने आप क्या लिख देंगे, रोना लिख देंगे यहाँ पर, हंसना और रोना। दूसरा चित्र आप देखिए, उठना, और उठना का विपरीत आप चित्र भी देख सकते हैं। उठना का विपरीत क्या होगा, बैठना। उठना, बैठना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा, आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है ठंडा, और ठंडा का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, गर्म। ठंडा, गर्म। उसके बाद है लंबा, और लंबा का विलोम शब्द क्या होता है, छोटा। तो बहुत ही आसान आसान से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, आप बड़े आराम से इनको कर सकते हैं। हंसना का आपका हो जाएगा रोना, उठना का आपका हो जाएगा बैठना, ठंडा का आपका हो जाएगा गर्म, और लंबा का आपका विलोम शब्द हो जाएगा छोटा। तो इस तरीके से ये सुंदर सा चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है और इन सभी शब्दों को, विलोम शब्दों को आपने इस तरीके से इस तालिका में पूरा लिखना है। तो बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, इसको आराम से आप सुंदर सुंदर ड्राइंग के साथ अपनी कॉपी में बनाइए और इसको पूरा कीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में गहरे काले रंग के शब्दों के विलोम शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं और वाक्यों में आपको खाली स्थान दिए गए हैं। जो हमारा पहला वाक्य है उसमें जो गहरे रंग से जो शब्द है उसका विलोम आपने खाली स्थान में भरना है। एक उदाहरण आपके लिए करके दिखाया गया है, सूर्य पूर्व में उगता है। तो पूर्व और उगता, ये दो शब्द हैं जिनको गहरे रंग से लिखा गया है, और पश्चिम में छिपता है। तो पूर्व का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पश्चिम, और उगता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, छिपता। उगता, छिपता, पूर्व, पश्चिम,
तो इसी तरीके से जो हमारे दो वाक्य दिए गए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा पहला वाक्य है क और इसमें क्या पूछा गया है, मेरा घर विद्यालय के पास है। तो पास जो शब्द है ये बिल्कुल गहरे रंग से लिखा गया है, जबकि मेरे मित्र का घर और पास का उल्टा विलोम शब्द वाला उल्टे अर्थ वाला क्या होगा, दूर। तो यहाँ जो ये खाली स्थान है इसमें हम क्या लिखेंगे, दूर। यहाँ खाली स्थान में हम क्या लिख देंगे, दूर। तो दूर जो शब्द है हमारा वो पास का क्या है, विलोम शब्द। पास हमारा है और उसका उल्टा अर्थ वाला विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दूर। इस तरीके से आप इस खाली स्थान को पूरा कर लेंगे। आइए ख भाग में देखते हैं क्या पूछा गया है। राम दिन में मजदूरी करता है और खाली स्थान में पढ़ाई करता है। तो दिन जो शब्द है इसका आपको विपरीत अर्थ वाला शब्द बताना है। तो दिन का हमारा क्या हो जाएगा विलोम शब्द, रात। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रात। राम दिन में मजदूरी करता है और रात में पढ़ाई करता है। तो इस तरीके से इन दोनों वाक्यों को हम क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, जो कि पिछली कार्य पत्रिका में भी आपको इसी तरीके से एक चित्र दिया गया था। तो यहाँ पर आओ बातचीत करें, यहाँ चित्र को आपको ध्यान से देखना है और यहाँ पर दो लड़कियाँ बैठी हुई हैं आप देख सकते हैं, और आपने अपने मन में सोचना है कि इनके बीच में क्या बातचीत हो रही होगी। यहाँ पर लगता है ये जो बच्ची है ये खाना खा रही, और यहाँ पर एक दूसरी बच्ची है, अब ये अपना खाना इसके साथ शेयर कर रही है आप देख सकते हैं, और इस तरीके से इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही होगी ये सोचकर आपको लिखना है। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। अनुमान लगाइए कि ये बच्चे आपस में क्या बात कर रहे होंगे। आप इनकी बातचीत को अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है पहले उसको अपने मन में सोचना है, अपनी कल्पना से उसका अनुमान लगाना है और फिर कॉपी में आपने लिखना है। इस तरीके से इस गतिविधि को आप और भी मज़ेदार बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी सी बातचीत इन दोनों के बीच में आपको लिखनी है। ये हमारी आज की कार्य पत्रिका थी जिसमें कुल दो ही प्रश्न दिए गए थे और तीसरी हमारी क्या थी, गतिविधि। पहला प्रश्न है बहुत ही आसान और मजेदार है, दूसरा प्रश्न है बहुत ही छोटा सा और आसान है, और तीसरा हमारा जो ये गतिविधि थी इसको भी आपको पूरा करना है। आगे देखते हैं शिक्षक या शिक्षिका के लिए अनुदेश है। तो आप देख सकते हैं कार्य पत्रिका के बारे में हम आवश्यकता अनुसार बातचीत कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, आपके माता पिता के लिए भी सुझाव है। विलोम शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता की रचना करने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए। बच्चों को प्रेरित कीजिए कि वे खुद की बनाई इस कविता को सुर व लय में गाएं। तो आपने एक अच्छी सी कविता तैयार करनी है जो कि विलोम शब्दों के जोड़े के ऊपर आधारित हो। तो आप कोशिश कर सकते हैं और एक छोटी सी प्यारी सी कविता आप बना सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप जरूर कोशिश करेंगे और एक सुंदर सी कविता की रचना आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप इस तरह से कुछ लाइन बना सकते हैं। आज जो है नया वो कल हो जाएगा पुराना, दिन में जगना और रात में सोना। इस तरीके से नया पुराना हमारे विलोम शब्द हैं, सोना और जगना हमारा क्या है, विलोम शब्द हैं, दिन और रात भी हमारे क्या हैं, विलोम शब्द हैं। ऐसे ही आप भी कोशिश कर सकते हैं, छोटी सी प्यारी सी कुछ पंक्तियों की कविता आप लिख सकते हैं, और मैं देखना चाहती हूँ आप कितनी अच्छी अच्छी कविताएं विलोम शब्दों के ऊपर बना सकते हैं। आज की इस कार्य पत्रिका में बस इतना ही है। तो बच्चों, आपको कार्य पत्रिका मजेदार लगी ने? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हमने विलोम शब्दों के बारे में पढ़ा, एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम हिंदी व्याकरण में विलोम शब्द कहते हैं, और कोविड-19 के दौरान आप सभी अच्छे से जानते हैं अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है ताकि हम इस महामारी से बचे रहें, खुद भी सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सभी प्रश्न बड़े ही आसान और मजेदार हैं, आप बड़े आराम से इन्हें हल कर लेंगे और सुंदर सुंदर लिखाई में अपनी कॉपी में पूरा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कार्य पत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।